तो ये रमादान भी सखी है, रमादान भी सखी है। यहां हजरत वाले साहब किबला की बात हर साल आपको सुनाता हूं, बड़ा याद आती है, मजा भी आता है। वो कहते हैं रमादान भी सखी, काबा भी। हज के लिए क्या है, मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुख रजा का यौमी वला दत्थु उम्मु। जो अल्लाह के लिए हज करे अल्लाह के घर का, जब वो हज करके वापस लौटता है ऐसा गुनाहों से पाक होता है जैसा उस दिन पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। पहले दिन के बच्चे की तरह गुनाहों से पाक। पता चला काबा भी पाक करता है, रमदान भी पाक करता है। तो वाले साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा जुमला फरमाते थे, फरमाते थे काबा भी सखी रमदान भी सखी। मगर सखी दो तरह के होते हैं, एक घर बुला के देता है, एक घरों में आके देता है। काबा मक्का बुला के देता है, रमदान घरों में आके देता है। वहां भी सारे गुनाह पिछले माफ, यहां भी माफ। तो इतनी मेहरबानी है, फायदा उठाना चाहिए या नहीं? हाँ, ये स्कीम कहीं बंद हो गई तो है ना, होता ना इतनी मुद्दत के लिए है, तो ये तो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, कहीं हमने फायदा ना उठाया, वक्त गुजर गया तो हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए।